हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल और एकदम हेल्दी तेल की रेमेडी लेके आए हैं कि इस तेल को आप बना के कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होंगी और आपके बाल इतने लॉन्ग घने और आपके बाल बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, इतने ज़्यादा सिल्की होंगे कि आप इसका रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे। अगर आपके माथे में बिल्कुल बाल नहीं है तो वहाँ पर भी बिल्कुल बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। गंजे सर में भी बाल उगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडीज़ देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है लौंग। तो लौंग इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हमारे बालों को दोबारा से रीग्रोथ का काम करती है। ये हमारे बालों को दोबारा से, जो अगर आपके बाल सिर में बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, आपकी सिर की जो भी आपकी स्किन है जो, तो वहाँ पे दोबारा से ये बिल्कुल अच्छे से बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और आपके बालों को सिल्की शाइनिंग और मजबूत बनाएगी। आपके बालों की लेंथ को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप इस रेमेडी को इस तरीके से बना के ज़रूर अप्लाई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। तो लौंग को कूट कर इसका दरदरा पेस्ट, इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। आपको पाउडर इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आप चाहो तो इसका अदरक के साथ में भी इसको कूट के तैयार कर सकते हैं। हम ये जो रेमेडी लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप इसको हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर अप्लाई करें तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से केयर करेगी। जो भी डैंड्रफ या आपके रूसी है बालों में वो भी बिल्कुल हट जाएगी। और दूसरी चीज़ इसमें ले लेंगे अदरक। तो इसमें हमने आधा इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया है। तो इसको हम बारीक कूट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अदरक को भी आपको बिल्कुल अच्छे से कूटना है। और ये तेल, इतने सारे फायदे इस तेल के, आप ज़रूर बना के अप्लाई करें। हफ्ते में केवल आपको एक बार लगाना है, इतना ज़्यादा पावरफुल, आपको कोई इसमें मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। केवल आपको इसको रात को सोने से पहले आपको मसाज करके अपने बालों में सो जाना है, सुबह उठ के अपने बालों को धो लेना है। इतना ज़्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको दोनों को हम पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसी में एक कटोरी में रख देंगे। आप चाहे तो कोई भी कटोरी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें कांच का बाउल में आप बिल्कुल भी नहीं इसको तेल को गर्म करें, क्योंकि हमने जो इसका कटोरी का आपको बताएंगे कि हमने कटोरी बाद में चेंज कर दी है, क्योंकि इसमें हमने जो कांच की बाउल इसको रख दिए थे गर्म पानी में, तो ये पूरी चिटक चुकी है कटोरी है जो। तो अब इसमें ऐड कर देंगे नारियल का तेल। तो नारियल का तेल आपको करीब 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऐड करना है, क्योंकि नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है। तो आपको किसी भी तरीके से इस तरीके से आपको लगा लेना है। इस तेल को बनने के बाद में हल्का आपको गुनगुना करके ही आपके बालों में अप्लाई करना है। तो देखिए, हमने इसकी कटोरी चेंज कर दी है क्योंकि कांच का बाउल हमारा टूट चुका है। तो इस तरीके से आपको अगर गर्म पानी में आपको इसको बॉयल करना है तो आप इसको स्टील की कटोरी में या कोई भी पीतल या तांबे की, जो भी है, आप उसी में इसको पकाएं। तो अब इसमें बिल्कुल अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे। धीरे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे कि जो हमारा तेल है जो बिल्कुल अच्छे से इसके जो न्यूट्रिशन है जो इसके जो तेल में आ जाए। और ये तेल इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ। जब भी लगाएंगे तब इसको हल्का गुनगुना, पानी में इसको रख के हल्का गुनगुना करके आपके बालों में मसाज करनी है। तो मैं गारंटी से बोल रही हूँ, जो भी आपके बालों की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होंगी और आपके बाल बढ़ना बिल्कुल गारंटी से स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें जो आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। वहाँ पर भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडीज रेसिपीज देखने को मिलेगी। तो इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पानी में अच्छे से बॉयल होने दिए हैं। और अब इसको अच्छे से आपको चम्मच से दबाते हुए इसका तेल को निकाल लेना है, आपको कोई भी बर्तन या कोई भी कांच की एयर टाइट बोतल में। तो अब इस तेल की तुरंत में आप इसकी मसाज करें। अगर आप इसको रखेंगे तेल को तो ये बिल्कुल तेल हमारा जम जाएगा। तो आपको दोबारा से अगर अप्लाई करना है तो इसको हल्का गुनगुना करके ही अप्लाई करें। ये तेल इतना ज़्यादा आपके चेहरे सिर के ऊपर इतना ज़्यादा फायदा करेगा कि आपके बालों की एकदम रौनक बदल देगा ये। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको तेल को निकाल के तैयार कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल, क्योंकि अगर आपके बाल अगर माथे में नहीं है, उगने स्टार्ट बंद हो चुके हैं तो ये दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें करीब आधी चम्मच के करीब इसमें एलोवेरा जेल आपको ऐड कर देना है।
और इस तेल को आपको रख के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो पूरी सर्दियों में भी आप इसको लगा सकते हैं या गर्मियों में भी लगा सकते हैं, कोई से मौसम में भी लगा सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप तेल कितने तरीके के बनाए जाते हैं बालों के लिए, तो आप इस तरीके से भी आप एक बार तेल बना के ज़रूर अप्लाई करें, आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल, क्योंकि हमने कम क्वांटिटी में बनाया है, तो इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल बहुत काफ़ी है। और आप इसको विटामिन ई का कैप्सूल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल के बिल्कुल मिक्स करके आपके बालों में अप्लाई करना है। तो ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, तो आप इसको रात को लगा के सो जाएंगे तो आपके बालों में एक नई जान मिल जाएगी, एकदम नए बिल्कुल बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनिंग मजबूत होंगे और आपके बालों की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, गंजे सिर में भी बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए